अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। फुल लिवर पंप करना पड़ेगा, 50,000 रुपया जमा करवा दीजिए। हेलो अवंतिका, हमें कुछ जरूरी काम आ गया है, हम नहीं आ पाएंगे। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे पापा, कुछ नहीं। तुमसे जुड़ी है डोर चली गई होगी। ये सब अवंतिका ने किया है। उसे याद था हवा मिठाई, बचपन में मेरी फेवरेट हुआ करती थी। मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है? 50,000 हमारे फोन नंबर पर ट्रांसफर कर सकती हो क्या प्लीज? बहुत अर्जेंट है, और जब हमारी सैलरी आएगी ना तो हम तुम्हें उसमें से दे देंगे। अच्छा कोई बात नहीं। हेलो, क्या लोन मिलने में टाइम लग जाएगा क्या? अरे लेकिन हमें पैसे अभी चाहिए, बहुत अर्जेंट है। ऐसे कैसे आपके स्टॉक में एबी निगेटिव ब्लड नहीं है? मैम ये रेयर ब्लड ग्रुप है, कहीं नहीं मिल रहा है, हमारे स्टॉक में भी नहीं है। हमने पूरी कोशिश की है कहीं से भी इंतजाम हो जाए, पर कहीं भी नहीं मिल रहा है, स्टॉक ही नहीं है। अगर कहीं और से आप इंतजाम कर सकें तो। सुनिए क्या बात हुई है? एक 5 साल का बच्चा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। अर्जेंटली खून नहीं चढ़ाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ब्लड बैंक में भी ब्लड नहीं मिल रहा है, एबी नेगेटिव है ब्लड ग्रुप। एबी नेगेटिव तो हमारा ब्लड ग्रुप है, आप हमसे ब्लड ले लीजिए, लेकिन उस बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। आपका एबी नेगेटिव है? मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। हे कन्नू जी, इस बच्चे को बचा लेना, और जब तक हम खून दे रहे हैं हमारे पापा का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, हम आते। हाँ ऑटो। कहो बेटा, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। भैया वो पापा। पापा क्या? पापा तो यहाँ बैठे हैं। ए भैया वो हमारे पापा हॉस्पिटल। चलो तुम्हारे ही प्रॉब्लम का हल निकालते हैं, जो बाप भैया इन सबसे बहुत बड़ा है। हम कुछ समझे नहीं भैया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये जो तुम्हारा रुपये का प्रॉब्लम है ना, इसका हल निकालते हैं। अगस्ती वहां जो करके आया है, जो कह के आया है, उसके बाद कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। कुमोजी, हमें शर्म आ रही है। मुझी शादी ब्याह के मामलों में हर घर में थोड़ी सी जड़प, थोड़ी सी गलत फहमिया हो ही जाती है। सुधीर भाई साहब और किरण जी ये तो बरसों से जानते हैं मुझे। कह दीजिए ना कि अगस्त्य से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने उसे घर पे बहुत डांटा। लीजिए बात कर लीजिए, अपनी सहेली किरण जी को फोन मिलाई लीजिए। माँ बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन वो और सक्सेसफुल और कामयाब हो सकती थी अगर वो आपकी तरह थोड़ी शातिर होती तो। माँ ये रिश्ता जोड़ने आई थी और मैं ये रिश्ता तोड़ के जा रहा हूं।
आंटी का फोन बजे जा रहा है कब से? मना किया ना फोन उठाने से? हमारा मजाक उड़ाने के लिए फोन कर रही होगी। खबरदार, अगर फोन उठाया तो टांगे तोड़ देंगी तुम्हारी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, देखो कन्नू जी कितने केयरिंग है ना। तुम्हें खून की जरूरत थी और उन्होंने हमें यही भेज दिया। वो तुम पर नजर रखते हैं और तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हमें किरण के पास जाना होगा और खुद उससे माफी मांगनी होगी। क्यों माफी मांगेगी तू? हाँ, ऐसा क्या कर दिया हमारे पोते ने? और लड़के वालों के घर पे लिस्ट भेजकर अपने घर सामान मंगाना, ये सही है क्या? माँ जी, सामान हमने भिजवाया था। हम तुझे भी जानते हैं और तेरी उस किरण को भी। और फिर शादी से पहले रिश्ते की थोड़ी बहुत जांच पड़ताल तो सब करते हैं ना। जांच पड़ताल की थी माँ जी, हमने की थी, उसे करने की क्या जरूरत थी? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अवंतिका की शादी अगस्त के साथ हो, ताकि अगस्त का जो गुरूर है ना, उसका इलाज हो सके। माँ, हमें भी लगता है कि गुमुद जी को जाके उन्हें मनाना चाहिए। गलती हमारे बेटे से हुई है तो सुधारना तो हमें ही पड़ेगा ना। गुमुद जी जाइए, जाइए अपनी सहेली को मनाइए। किसको मनाने जा रही है भाभी? कौन है रूठा हुआ? हमारी गजनी बहू। तुम्हें पता है कौन रूठा है? हमारे बेटे की किस्मत, उसी को मनाने जा रहे हैं। जब तक हम वापस नहीं लौटते, अगस्त से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। आंटी का बेटा अक्षय भाई, हमारे इतने पुराने रिश्ते हैं भाई, थोड़ा तो लिहाज करो भाई। अब हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे। अवंतिका की गलती की सजा तुझे मिलेगी। अवंतिका? अवंतिका का इन गुंडों से क्या लेना देना? इस लड़की को तो भगवान ने ही भेजा है और भगवान का ही रूप है। वहाँ अपने पिता के इलाज के लिए पैसे के इंतजाम में लगी पड़ी थी और इसका हेल्प करने के लिए आगे चली आई। आजकल के जमाने में भी भगवान ऐसे लोगों को बनाता है जो दूसरों की मदद करने के लिए खुद की प्रॉब्लम को साइड में रख देते हैं। भगवान इनका भला करे, आप ध्यान रखिएगा इनका। जी डॉक्टर साहब। किरण, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, बस एक गलतफहमी। कोई गलतफहमी नहीं है हमें कुमुद, बल्कि सारी गलतफहमियां हमारी दूर हो गई हैं। ये रिश्ता, ये शगुन, ये सब तो तुम्हारा एक बहाना था। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम हमसे जलती थी। हम अमीर थे तो तुम गरीब थी, और आज हम गरीब है तो तुम अमीर हो, और तुम हमें अपमान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। जी किरण, ऐसा कुछ नहीं है। अरे शुक्र मनाओ कि वो तुम्हारा बेटा था जो हम उसका अपमान सह गए, वरना पूरा प्रयागराज जानता है कि जब किरण किसी की बेइज्जती करती है ना, तो ये जमीन फट जाती है और लोग उसमें समा जाते हैं। कौन है रे? चला जा, बेफिजूल में खर्च हो जाएगा। अवंतिका के बारे में क्या बोल रहे थे? यही है, से अवंतिका की शादी होने वाली है।
क्या बताएं दोस्त, अवंतिका ने हमारे साथ टाइम बिताने के लिए, हमसे मिलने के लिए 50,000 रुपये लिए थे, मिली भी नहीं, और अब तो सुना है कि शादी किसी और से कर रही है। अक्षय, क्या बोल रही है? अवंतिका ये सब काम करती है? ये अब बच तो जाएगा ना? हाँ। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कन्नू जी। तुम्हारा बेटा मना करके गया है ना रिश्ते के लिए, और अब तुम आई हो इस रिश्ते से मना करने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए, है ना? किरण, यही तो गलतफहमी हम दूर करने आए हैं। बिल्कुल रिश्ते के लिए मना नहीं किया है। हम आज भी अपने अगस्त के लिए अवंतिका का हाथ चाहते हैं। हाँ, हमारे अगस्त से गलती हुई है, हम माफी मांगने आए हैं किरण। कोई गलतफहमी नहीं है, बल्कि गलतफहमी तो पैदा की थी तुमने जब तुमने ये रिश्ता मांगा था। और अब कोई कांड करने आई हो ना तुम? चल क्या रहा है ये, कभी हाँ कभी ना, है क्या ये? किरण, कोई ना नहीं है, कोई ना नहीं है, सिर्फ हाँ है। तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, करवा दो मंगरी, कर दो ये नाटक खत्म। दोस्त, मक्खन सी लड़की दिखा के इस मक्खन सिंह का पैसा मार लिया। हमने तो सोचा था मोहब्बत मिलेगी, लेकिन धोखा मिला। अब गुस्सा तो आएगा ना। देखो भाई, अपना माल है, 50,000 रुपये खर्च किए हैं, हम तो उठवा भी लेंगे, तभी हमारी डील पूरी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तू। कितने पैसे थे? 20,000 की तरफ आंख उठा के भी मत देखियो अब, और ये जो गंदे ख्याल आ रहे हैं ना तेरे दिमाग में, सब भूल जा। थोड़ा भी से। मैम, पर आपने कहा था कि आप 1 घंटे तक हमें बता देंगे कि हमें लोन मिलेगा या नहीं। मैम प्लीज कुछ कीजिए, हमें बहुत अर्जेंटली पैसे चाहिए, हमारे पापा एडमिट है। प्लीज मैम, प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज लोन सैंक्शन करवा दीजिए। अवंतिका, परेशान मत हो, आपके पापा के ट्रीटमेंट के लिए हमने पैसे जमा कर दिए हैं। एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जैसे मुझे पता लगा, मेरे दुख का निवारण करने वाला खुद दुखी है, मैं खुद को रोक नहीं पाई। थैंक यू, लेकिन हम ये पैसे नहीं ले सकते। और वैसे भी अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे किसी की जान बच सकती है और फिर भी हम उसे अपने पास रखें, तो हम तो पाप के भागीदार होंगे ना। और अगर उसके बदले पैसे भी ले लिए हमने, तो भी हम पाप के भागीदार होंगे। और वैसे भी हमने कुछ नहीं किया है, ये सब तो कन्नू जी का किया हुआ है। देखिए, अब जहाँ ब्लड ग्रुप की बात हो रही थी, वहीं हम थे। तो सोच लीजिए, जो आपकी मदद हुई है वो हमने नहीं, आपके कन्नू जी ने की है। और हाँ, ये ब्लड डोनेशन का पैसा नहीं दिया है मैंने। आप हमें दुखी देख कर नहीं रह पाई, वैसे ही हम आपको प्रॉब्लम में देख के नहीं रह पाए। धन्यवाद कन्नू जी। थैंक यू। लेकिन फिर भी हमने जो भी पैसा आपसे लिया है ना, वो मदद की तरह नहीं, लोन की तरह लेंगे, और जल्द से जल्द आपको वापस कर देंगे, और फिर आप मना नहीं कर सकती। देखो किरण, हमें लगता है एक बार अवंतिका और अगस्त को मिलने दो। आ गई ना असलियत सामने, हाँ? आ गई असलियत सामने। हो गई ना बोलती बंद कुमुद।
हम अच्छी तरह से जानते थे कि अगस्त्य और अवंतिका को मिलाना तो एक बहाना था। तुम्हारा प्लान तो किरण को फंसाना था, किरण को फंसाना। जब तुम्हारा काम हो गया तो तुम पीछे हट गई। ये है तुम्हारा असली रंग। अच्छा ठीक है, करवा देते हैं मंगनी। तब तुम मान जाओगी ना? जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो हमें तुम पर शक हो रहा है। तो कैसे दूर करें तुम्हारा शक, तुम ही बताओ। कृष्णा, बेटा घर में भगवत गीता है? जी आंटी, वो अवंतिका दीदी के पास है, मैं अभी लाई। अवंतिका मेरी बचपन की दोस्त थी, आज उसे बोल देना मैंने अपनी दोस्ती की कीमत चुका दी है। उसके और मेरे बीच में जो कुछ था आज सब खत्म। हम गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि अपने बेटे अगस्त की मंगनी अवंतिका से कराएंगे कल शाम 7 बजे। ये वादा है हमारा। हम भी वादा करते हैं कि हम हमारी अवंतिका की सगाई तुम्हारे बेटे अगस्त्य के साथ करेंगे कल शाम 7 बजे। अवंतिका को लेकर आने की जिम्मेदारी हमारी और अगस्त्य को लेकर आने की जिम्मेदारी तुम्हारी। बताओ, लेकर आ पाओगी अपने बेटे अगस्त्य को? हम वादा करते हैं हम अगस्त्य को जरूर लेकर आएंगे, वो हमारा बेटा है, अपनी माँ की बात कभी नहीं डालेगा। लोगों के बारे में जितना घटिया सोचा था उससे कई ज्यादा घटिया निकले। ये लोग तो बातचीत करने लायक नहीं है, रिश्ता जोड़ना इनको। अंतिका के रिश्ते के बारे में बात कर रहा है। देखो कुमुद ने तो कहा था, कुमुद ने ना बोला है ना कि जब तक वो वापस नहीं आती इसके बारे में अगस्त्य से कोई बात नहीं करेगी। नहीं माँ, इन लोगों की बातों में कैसे आ गई इन सिनास की बातों में? पैसे चाहिए इन गरीबों को। अगस्त्य बेटा, डैड एटलीस्ट आप तो माँ को समझाइए, हम इस घर में एक बार गलत लोगों के साथ रिश्ता जोड़ चुके हैं। पहलती रोज उस चीज की सजा भुगतती हैं, आज तक भुगतती हैं। हम दोबारा एग्जैक्टली सेम गलती कैसे कर सकते हैं डैड? माँ को लग रहा है कि अवंतिका किरण आंटी जैसी नहीं है, गलत लग रहा है डैड। आई नो दैट कि अवंतिका किरण आंटी से भी ज्यादा बुरी है। आप लोगों को इस घर में ऐसी लड़की चाहिए? अब सब कुछ भूल गए हैं क्या कि पहलती के साथ क्या हुआ था? आई एम टेलिंग यू डैड, अगर अवंतिका इस घर में आई तो एग्जैक्टली सेम चीज रिपीट होगी। माँ को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है वो जो फैसला ले रही है ना एकदम सही फैसला ले रही है, गलत फैसला ले रही है। टेलिंग वो गलत फैसला ले रही है। वाह, जिंदगी में जिसने फैसले लेने सिखाए आज कह रहा है वही गलत है। जिसने तुम्हारी सोच को बनाया आज कह रहे हो कि वो गलत है। नहीं माँ,
भैंस। हम तुम्हें बताते हैं कि गलत क्या है। किसी लड़की को देखे बिना उसे ना कह देना, ये गलत है अगस्त्य। किसी लड़की को जाने बिना उसके बारे में इतनी मजबूत राय बनाना, ये गलत है। मां, मैं आपके बारे में कभी गलत सोच भी नहीं सकता, और जो मैं अवंतिका के बारे में कह रहा हूं ना, बिना सोचे समझे नहीं कह रहा हूं। मैं गया था भी उससे मिलने के लिए, जो मैंने वहां पे सुना, मुझे वो आपके सामने बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आप खुद चुनेंगी तो कहेंगी ये रिश्ता में नहीं जोड़ना। आराम से। दीदी, कांग्रेचुलेशन। किस बात के लिए? अरे, आपकी एंगेजमेंट हो रही है। क्या? हाँ, मम्मी और कुमुद आंटी ने मिलके आपकी एंगेजमेंट फिक्स कर दी, वो भी अगस्त्य जीजू के साथ। कल शाम 7 बजे उनके घर पे।